हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू वी स्टडी प्लेटफॉर्म स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वी के स्टडी प्लेटफॉर्म तो दोस्तों आपको पता है कि तेगोमेट्री का क्लास चल रहा था और बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करा रहे थे और जब पीछे वाला क्लास आपको लिया था जो उसने बताया था दोस्तों की साइन नाइन्टी प्लस ठीटा बराबर क्या होता है कास्ट नाइन्टी प्लस ठीटा बराबर क्या होता है उसी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें जो जो यूज होता है वो सब मैं आपको बता चुका हूं ठीक है तो सबसे पहले आइए देखिएगा एक ग्राफ के द्वारा आपको मैं बताया था कि आपका होता है फर्स्ट स्थान ये होता है सेकेंड ये थर्ड और ये होता है फोर्थ इसमें होता है दोस्तों जीरो से थीटा होता है ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री ठीक है थीटा की जो वैल्यू होती है जीरो से बड़ा और नाइन्टी डिग्री से छोटा और इसमें क्या होता है दोस्तों नाइन्टी डिग्री से थीटा और एक सौ अस्सी डिग्री तक होता है सेकेंड में थर्ड में क्या होता है थर्ड में क्या होता है एक सौ अस्सी डिग्री थीटा तीन सौ साठ सॉरी दो सौ सत्तर डिग्री मतलब एक सौ अस्सी डिग्री से थीटा की वैल्यू बड़ी होगी दो सौ सत्तर से छोटी होगी और इसमें होता है दो सौ सत्तर से थीटा की वैल्यू बड़ी होगी लेकिन तीन सौ साठ से क्या होगी दोस्तों छोटी होगी ये तो आपको क्लियर करा दिया था फर्स्ट चतुर्थांश में दोस्तों त्रिकुणमिति अनुपात साइन कॉस टेन उसका अपोजिट सब पॉजिटिव होता है ठीक है सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है थर्ड चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ में दोस्तों और पॉजिटिव होता है ये तो बात क्लियर आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं अब इसी बेस आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे अभी बताया हम नाइनटी प्लस थीटा टेन नाइनटी वन एट्टी प्लस थीटा इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं नाइन्टी माइनस कैसे सॉल्व करते हैं वो आपका दूसरा फार्मूला ही आपका था यहां तक क्लियर आइए देखिएगा दोस्तों साइन 120 डिग्री आपका दिया है तो हमको पता है दोस्तों कि हम लेके क्या चलते थे 90 थीटा, एक सौ अस्सी दो सौ सत्तर डिग्री सॉरी डिग्री और 360 डिग्री यही नाम लेके चलते थे काश 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, काश एक सौ अस्सी डिग्री प्लस थीटा, काश एक सौ अस्सी डिग्री माइनस थीटा यही लेकर हम चलते थे मतलब नाइन्टी का गुणक हम लेके चलते थे नाइन्टी का गुणक हम लेके चलते थे तो इसको आप चेंज करेंगे साइन 120 किसके नियरेस्ट है दोस्तों तो 90 के तो 90 120 को 90 प्लस थीटा में हम क्या करेंगे तोड़ देंगे क्योंकि आपको लेके चलना था 90 180 270 और 360 इन्हीं का गुड़क लेके चलना है तो 180 में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पहले 90 प्लस थीटा पे हम इसको सॉल्व करते हैं प्लस तीस डिग्री देखिएगा एक सौ बीस डिग्री हुआ कि नहीं नौ दस ग्यारह बारह एक सौ बीस डिग्री हुआ साइन नाइन्टी प्लस थीटा बराबर आपको पता है कि नाइन्टी और टू हंड्रेड सेवेंटी में साइन कॉस में चेंज होता है और वन हंड्रेड एट्टी और थ्री हंड्रेड सिक्सटी में चेंज नहीं होता है नाइन्टी प्लस थीटा आप देखेंगे दोस्तों नाइन्टी से बड़ा जब बैलू आ रही है तो साइन आपका क्या है दोस्तों सेकेंड टर्म्स में आप जा रहे हैं सेकेंड चतुर्थांश में वहाँ साइन क्या है पॉजिटिव है तो यहाँ कास पॉजिटिव हो जाएगा कास तीस डिग्री और कास्ट तीस डिग्री की जो वैल्यू होती है अंडर वो थ्री अपन टू आपका होता है ये आपका आंसर हो जाएगा ये वैल्यू कैसे लर्न होता है कल वाले क्लास में भी आपको बताया था और एक और वीडियो इस पर बनाया था कैसे टेबल लर्न करें आप देख लीजिएगा क्लास आपको मिल मिलेगा आइए आप देखते हैं इसको साइन एक सौ अस्सी में से इसको माइनस करेंगे तभी तो एक सौ बीस आएगा एक सौ अस्सी डिग्री में से जब आप माइनस कर देंगे कितना माइनस करेंगे 180 डिग्री में से माइनस करेंगे कितना माइनस करेंगे 60 डिग्री माइनस करेंगे तो 120 आएगा 60 डिग्री थीटा की वैल्यू है एक सौ अस्सी माइनस एक सौ अस्सी से कम एक सौ अस्सी से कम थीटा की वैल्यू किस में होती है सेकेंड चौथाश में साइन वहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है और एक सौ अस्सी में तीन सौ साठ में साइन और कास्ट चेंजिंग नहीं होता है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात वो अपने में ही रहता है तो साइन एक साठ डिग्री हो जाएगा और साइन साठ का होता है अंडर थ्री अपन टू देखिएगा सेम वैल्यू आया कोई आपको दिक्कत नहीं ठीक है या एक सौ अस्सी में से एक सौ बीस को माइनस कीजिए सॉरी साठ को माइनस करके एक सौ बीस लेके आइए या नब्बे में तीस जोड़ के एक सौ बीस लेके आइए वही वैल्यू आपको होगा बस आपको तोड़ना है नाइन्टी वन हंड्रेड एट्टी टू था टू हंड्रेड सेवेंटी और थ्री हंड्रेड सिक्सटी के टर्म्स में इनको तोड़ देना है यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पहले वो या तो नाइन्टी हो या तो वन हंड्रेड एट्टी हो या तो टू हंड्रेड सेवेंटी हो या थ्री हंड्रेड सिक्सटी हो ठीक है क्लियर सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा दो 210, दस 210 दो दस के नियरेस्ट आप दो ही टर्म्स देख रहे हैं एक तो एक सौ अस्सी प्लस करके दो सौ सत्तर लेके आएंगे या दो सत्तर में माइनस करके दो सौ साठ आप लेके दो सौ दस लेके आएंगे दो ही टर्म्स लेके आएंगे तीन सौ साठ वाला और नब्बे वाला तो बहुत अधिक हो जाएगा ठीक है कम हमको वैल्यू लें पहले हम देखिएगा काश एक सौ अस्सी डिग्री प्लस तीस डिग्री अठारह उन्नीस बीस इक्कीस दो सौ दस डिग्री तोड़ देंगे एक सौ अस्सी में या दो सौ सत्तर में लेके चलिए सेम वैल्यू आएगा देखिएगा कास एक सौ अस्सी है चेंज नहीं होगा चेंज होगा नहीं होगा क्योंकि एक सौ अस्सी में चेंज नहीं होता है ना तो नहीं होगा काश एक सौ अस्सी प्लस तीस एक सौ अस्सी से थीटा की वैल्यू अधिक होना चाहिए और जब अधिक होगा तो होगा आपका थर्ड चतुर्थांश में तो एक सौ अस्सी प्लस तीस है तो थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों दो सौ दस है तो अधिक है ना एक सौ अस्सी से थीटा की वैल्यू एक सौ अस्सी प्लस तीस है तो एक सौ अस्सी से अधिक है तो यहाँ पे थर्ड चतुर्थांश में टेन और कार्ट पॉजिटिव हैं तो कॉस क्या है निगेटिव है साइन निगेटिव है तो कॉस माइनस में चला जाएगा इसका थीटा की वैल्यू कॉस माइनस तीस डिग्री सॉरी माइनस कॉस तीस डिग्री ये तीस डिग्री आ जाएगा यहां पे तीस डिग्री का अंडर थ्री होता है अपान टू और माइनस ये बाहर आपका है तो बाहर हो जाएगा माइनस अंडर थ्री अपान टू हो जाएगा दो सौ सत्तर को जब सॉल्व करेंगे सत्तर माइनस साठ डिग्री तभी तो दो सौ दस आएगा हमको दो सौ दस लेके आना है यही वैल्यू हमको लेके आना है तोड़ के या जोड़ के कटा के आप प्लस करके दो सौ सत्तर माइनस थीटा मतलब दो सौ सत्तर से कम थीटा की वैल्यू दो सौ सत्तर से कम किस में है फोर्थ चौथांश में है ना दो सौ सत्तर से कम क्या है फोर्थ चौथांश में है फोर्थ चौथांश में माइनस कास साठ डिग्री दो सौ सत्तर तो कास्ट साइन में चेंज हो जाएगा वही आएगा माइनस अंडर ओ थ्री अपॉइन टू आंसर आपका क्लियर वैसे ही देखिएगा टेन पाँच सौ सत्तर डिग्री टेन पाँच सौ सत्तर डिग्री में देखिएगा क्या हम करेंगे पाँच सौ सत्तर तीन सौ साठ के हम टर्म में तोड़ेंगे क्योंकि तीन सौ साठ के जब में हम इसको तोड़ देंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका पाँच सौ सत्तर के लम्सम कुछ आपकी वैल्यू पता चल जाएंगे टेन तीन सौ साठ डिग्री प्लस दो सौ दस डिग्री ठीक है तीन सौ साठ डिग्री प्लस दो सौ दस डिग्री तीन सौ साठ से अगर छोटा माइन थीटा का मान होता है तो छ फोर्थ में होता है तीन सौ साठ से जब अधिक जाते हैं तो फिर इसमें रिपीट होता जाता है तो फर्स्ट में आएगा और फर्स्ट में जो वैल्यू होती है सब पॉजिटिव होती है तो टेन तीन सौ साठ चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा टेन दो सौ दस डिग्री हो जाएगा ना फर्स्ट चौथांश में जाएगा तीन सौ साठ से अधिक फर्स्ट चौथाँश में जाता है क्लियर अब आइए इसको तोड़िए टेन एक सौ अस्सी डिग्री प्लस तीस डिग्री कर सकते हैं टेन तीस डिग्री एक सौ अस्सी में चेंज नहीं होता है तो हो जाएगा वन अपन अंडर रूट थ्री एंसर या इसको एक और तरीका कर सकते हैं यहीं से टेन पाँच सौ सत्तर डिग्री एक सौ अस्सी के गुणांक में इसको आप तोड़ दीजिए ठीक है अठारह तीन एक चौवन होगा तो टेन थ्री इंटू वन एट्टी डिग्री प्लस तीस डिग्री कर सकते हैं ये आपका वन एट्टी प्लस टेन तो टेन तीस डिग्री और तैंतीस डिग्री का वैल्यू होता है वन अपन अंडर थ्री इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एक सौ अस्सी के गुणांक में इसको चेंज कर दीजिए जितना बच रहा है उसको एड कर दीजिए नब्बे के गुणांक में भी इसको आप चेंज करके एड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं क्लियर साइन नौ सौ साठ डिग्री और काश एक हज़ार बीस डिग्री का आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कैसे इसका आंसर कितना आएगा दो होमवर्क है तीन बता दिए तो आई होप कि आज क्लास आपको अच्छा लगा होगा कोशिश किया अच्छे से समझाने के लिए अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देखिएगा अच्छे समझ में ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया जाएगा शेयर करना नहीं भूलेगा चैनल और वीडियो को पहली बार देखो तो हम सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वीडियो मिस नहीं और तब के लिए जय हिंद दोस्तों वंदे मातरम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टिप और टिक लेके जय हिंद जय भारत